मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 15 सर, और मैंने आपको साफ साफ बता दिया था कि टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, जहां पे एक्स वाई का प्रोडक्ट लेस देन वन होता है। तो बच्चों इस वाली एक्सरसाइज में टोटल 21 क्वेश्चन है, तो मैं ऐसा करता हूँ अब 16, 17, 18, 19, 20, 21 में से सबसे पहले 21 से स्टार्ट करता हूँ और उल्टा करते हुए 16 तक पहुंच जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं 21 को स्टार्ट करता हूँ। तो ये बच्चों हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 21, तो आप 21 के लिए रेडी हो जाइए। सबसे पहले इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है बच्चों कि आपके पास एक क्वेश्चन के चार जवाब है। सबसे पहले लिखा है टैन इनवर्स √3। तो जिन बच्चों ने काफी सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स अगर नहीं की होगी तो भूल भी जाते हैं कि टैन इनवर्स √3 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों ये तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं क्योंकि इतने क्वेश्चन आप कर चुके हैं, तो आप √3 को लिख दोगे टेन ऑफ पाई बाई थ्री। तो टेन इनवर्स 10 π/3 इज पाई बाई थ्री, और पाई बाई थ्री कहाँ से बिलोंग करता है, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू यानी उसकी रेंज में, -π/2 से π/2 के बीच में। तो एकदम सही हो गया। उसके बाद बच्चों को चाहिए कॉट इनवर्स -√3। तो बच्चों अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कॉट इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है वो ऑल रियल नंबर्स होती है टैन इनवर्स एक्स की तरह, और टैन इनवर्स एक्स की रेंज होती है -π/2 से π/2, और कॉट इनवर्स एक्स की रेंज आप हमको बताएंगे क्या होती है। होपफुली आप बता नहीं पाएंगे, मैं आपको बताते हैं क्या होती है। 0 to 90 एंड उसमें जीरो नहीं, कॉट एक्सक्लूडेड। इनवर्स एक्स की बच्चों रेंज होती है 0 से π, ओपन ब्रैकेट। तो कॉट इनवर्स एक्स की जो रेंज है वो 0 से π है, यानी आप जो अपना आंसर निकालेंगे ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में निकालेंगे, फर्स्ट और फोर्थ में नहीं है ये। तो बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव भी होता है, तो पहले तो आप ये सोचो कि कॉट √3 कब होता है। तो सबसे पहले आप सोचेंगे कि कॉट जो है कौन से एंगल पे √3 होता है। तो पहले सोचो टेन 1/√3 कब होता है। तो टेन 1/√3 होता है टेन 30 डिग्री पे, यानी कि π/6 पे। तो कॉट π/6 पे √3 आ जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, हमें √3 नहीं चाहिए, हमें -√3 चाहिए। तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे और कहेंगे कॉट पाई माइनस थीटा इज -cot θ। ये हो गया, और ये बच्चों वैल्यू निकल करके आ जाएगी माइनस का, दिस इज √3। मेरे ख्याल से आपको ये बात क्लियर हो गई कि कॉट ऑफ पाई माइनस पाई बाई सिक्स दैट मीन्स कितना एंगल हुआ बच्चों, ये कॉट ऑफ 5π/6, ये कितना आ रहा, -√3। इसका मतलब बच्चों जब हम -√3 को लिखेंगे तो -√3 कैन बी रिटन एज कॉट 5π/6। और बच्चों हम फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में ही क्यों चल रहे हैं, क्योंकि इसकी जो रेंज होती है वो 0 से π होती है। तो कॉट इनवर्स कॉट थीटा आपका आ गया थीटा, और ध्यान से देखिए थीटा जो है 0 से π के बीच में लाइव ही करता है। तो बच्चों आपको इस क्वेश्चन का फाइनल सोल्यूशन निकालना है, तो आप फाइनल सोल्यूशन की तरफ आप मूव करिए। आपको निकालना है टैन इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3। तो बच्चों टैन इनवर्स √3 आपने निकाल लिया था which is π/3, फिर आपने cot inverse -√3 निकाल लिया था, और cot inverse -√3 की वैल्यू आपने जस्ट अभी निकाली है, कितनी निकाली है बच्चों, दिस इज कहाँ लिखी है, 5π/6। ओके बच्चों लिखी है ऊपर, जरा ध्यान दीजिएगा 5π/6 लिखी हुई है। तो मैं इसको 5π/6 लिख देता हूँ। तो अब मैं इसका फाइनली एलसीएम वगैरह सब लूंगा। जो अगर आपको एलसीएम डायरेक्ट लेना आता है तो आप तुरंत करके खत्म कर दीजिएगा। तो 3 2 6, 6 1 6, तो 2π - 5π कितना हुआ, -का 3π/6, इसका मतलब -का π/2। तो बच्चों आपका आंसर निकल करके आ गया है -का π/2। तो जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर आप टिक कर दीजिएगा, दिस इज -का π/2, करेक्ट ऑप्शन इज B-part। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको डोमेन और रेंज का आइडिया नहीं होगा तो एक एक नंबर के क्वेश्चंस गलत होने के पूरे चांसेस बनेंगे, इसलिए आप इनको लर्न कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ अब हम मूव कर रहे हैं। ये आ गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन आ गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है। इसमें लिखा हुआ है कि साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ। तो बच्चों सबसे पहले आप साइन इनवर्स माइनस हाफ निकाल लीजिए। तो आप सोचो कि सर साइन की वैल्यू जो होती है वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है। तो सर फोर्थ क्वाड्रेंट में आपने बताया था साइन ऑड फंक्शन होता है, तो आपने बताया था कि जो साइन हाफ कब होता है,
सन होता है पाई बाई सिक्स पर, यानी कि 30 डिग्री पर, और साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन पाई बाई सिक्स मतलब माइनस हाफ। इसका मतलब बच्चों माइनस हाफ को लिखेंगे आप साइन ऑफ माइनस पाई बाई सिक्स, और ये बच्चों आंसर आ जाएगा आपका माइनस पाई बाई सिक्स। और ये वैल्यू किसके बीच में लाई करती है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, क्लोज ब्रैकेट। चेक कर लीजिए क्या ये वैल्यू माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में लाई कर रही है कि नहीं कर रही है, तो वो भी असर कर रही है, तो मतलब ये साइन इनवर्स माइनस हाफ की प्रिंसिपल वैल्यू निकल के आ रही है। नेक्स्ट बच्चों देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, साइन के अंदर पाई बाई थ्री, तो मैंने इसको पाई बाई थ्री लिख दिया, माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ। तो बच्चों साइन इनवर्स माइनस हाफ तो मैं निकाल चुका हूँ ना, तो मैं उसको डायरेक्टली पुट करूंगा, कितना है साइन इनवर्स माइनस हाफ, माइनस पाई बाई सिक्स। तो बच्चों मैंने इसको पुट कर दिया, अब तो बच्चों ये मेरे ख्याल से आसान क्वेश्चन हो गया है, ये पाई बाई थ्री बन गया और ये पाई बाई सिक्स बन गया। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे ये बन जाएगा एलसीएम लेने के बाद सिक्स और थ्री टू जा सिक्स ऊपर टू पाई हो जाएगा, प्लस सिक्स वन जा सिक्स ऊपर पाई हो जाएगा, यानी बन गया ये साइन ऑफ थ्री पाई बाई सिक्स। थ्री पाई बाई सिक्स कितना होता है, यानी कि पाई बाई टू, और साइन पाई बाई टू बच्चों कितना होता है वन, साइन 90 इज वन। तो बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो वन है, यानी आप डी पार्ट पे टिक कर दीजिए। तो बच्चों जब भी आप ये वीडियो देखें तो आपको याद रखना होगा कि आप सबसे पहले स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करेंगे, ना आने पर अब आप उसकी रिकॉर्डिंग चालू करेंगे, तब आप उसका पूरा सोल्यूशन देखेंगे अगर आप उसको घर पे रिविजन करते हैं। तो आपका 20th क्वेश्चन बच्चों फिनिश हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर से एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों लोग आ चुके हैं, आपको फिर से ये क्वेश्चन दिया है, इसके चार ऑप्शन है, आपको एक सही ऑप्शन बताना है। क्या लिखा है बच्चों, ये लिखा है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ सेवन पाई बाई सिक्स, ठीक है सेवन पाई बाई सिक्स। तो बच्चों मैंने आपको बता दिया था कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ सेवन पाई बाई सिक्स, जैसे मैं आपको एक बार क्लियर कट बता देता हूँ, यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, ठीक है बच्चों ये थीटा होता है लेकिन थीटा बिलोंग करना चाहिए माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ये याद कर लीजिएगा। उसी तरीके से बच्चों कॉस इनवर्स कॉस थीटा जो होता है, ये बच्चों थीटा होता है लेकिन बच्चों ये थीटा जो होना चाहिए वो जीरो से पाई में होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक है। तो बच्चों कॉस इनवर्स हम कॉस थीटा को थीटा यानी इसका हम आंसर सेवन पाई बाई सिक्स तभी लिख पाएंगे जब ये जीरो से पाई के बीच में लाई करता है। तो आप चेक कर लो क्या सेवन पाई बाई सिक्स जो भी वैल्यू है क्या वो जीरो से 180 के बीच में लाई करती है, आप जरा चेक कर लो, पाई की वैल्यू 180 डालो। जब बच्चों आप पाई की वैल्यू 180 डालोगे तो 7 इंटू 180 बाई 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 3 जा 18 और 7 3 जा 21, ये cos 210 बन जाएगा, और 210 टू 0 से 180 के बीच में आता नहीं है, इसका मतलब बच्चों आपको पहले इसको 0 से 180 के बीच में ले जाना पड़ेगा तभी आपका काम बनेगा। तो तुम कहोगे ठीक है सर अभी ले जाते हो, हमने कहा कैसे ले जाओगे, तुम कहोगे सर सेवन पाई बाई सिक्स तो किसी से मिलके बना होगा ना, सेवन पाई बाई सिक्स को हम ब्रेक कर देते हैं किसी नोन एंगल में, तो या तो हम पाई प्लस पाई बाई सिक्स लिखेंगे या पाई माइनस पाई बाई सिक्स लिखेंगे, यही तो नोन एंगल्स होते हैं, या टू पाई पाई प्लस पाई बाई सिक्स या टू पाई माइनस पाई बाई सिक्स, तो यहाँ तो पाई से ही काम चल गया, सेवन पाई बाई सिक्स कैन बी रिटन एज पाई प्लस पाई बाई सिक्स। तो बच्चों आप ध्यान से देखो ये बन गया कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा, सेवन पाई बाई सिक्स कैन बी रिटन एज पाई प्लस पाई बाई सिक्स, और ये बन गया कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा। तो बच्चों पाई प्लस थीटा जो होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, कहाँ आता है थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, ध्यान दीजिएगा, आपको इस बात पे ध्यान देना होगा कि पाई प्लस थीटा कहाँ चला जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है, और जब थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है तो कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा कितना होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है, तो कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा कितना होगा, ओके आप लोग को अगर एएससीसी नहीं पता है 11th क्लास का तो आप इसका जवाब सक्सेसफुली नहीं समझ पाएंगे, 11th क्लास आपकी पढ़ी होनी चाहिए, एएसटीसी अगर आपको नहीं पढ़ा हुआ है तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर से लेकर के जरूर उसको पढ़ दीजिए। तो थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों ये वाला आपका थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, ऊपर होता है पाई माइनस थीटा, नीचे होता है पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस थीटा कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा कितना होगा, कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा होगा माइनस का कॉस थीटा। तो ये बच्चों हमने यहां तक पहुंचा दिया, लेकिन बच्चों अब हम आगे क्या करें ये आपको सोच के बताना होगा तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे आगे तक।
क्या बता सकते हैं कि ये वैल्यू कितनी निकल के आई है? ओके सर, ये वैल्यू है बेसिकली माइनस कॉस पाई बाय सिक्स। सर कॉस पाई बाय सिक्स कितना होता है? कॉस पाई बाय सिक्स यानी कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री कितना होता है? √3/2। तो बच्चों ये वैल्यू ये लिखी है, तो अब आप सोच के बताओ क्या आप कॉस इनवर्स -√3/2 नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि -√3/2 -1 से 1 के बीच मिलाई करता है, यही इसकी डोमेन होती है। और अब हमको ऐसा थीटा निकालना है जो 0 से पाई के बीच मिलाई करे। तो आप कहोगे सर अब तो आ जाएगा, हमने कहा कैसे आ जाएगा? कहोगे सर 0 से पाई के बीच में सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। तो पहले आप ये सोच लो कॉस √3/2 कब होता है? पाई बाई सिक्स पे, है ना? तो कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, है ना? तो आप इसको क्या लिख सकते हो -√3/2 को? कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। क्या ऐसे आप लिख सकते हैं? ध्यान दीजिएगा बच्चों, -√3/2 को मैंने ऐसे लिख दिया, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। तो ये बच्चों माइनस कॉस पाई बाई सिक्स होगा और ये -√3 बन जाएगा। ठीक है, ये -√3/2 बन जाएगा। तो बच्चों ये बन गया कितना एंगल? कॉस ऑफ 5π/6। ठीक है, तो स्पेस कम है, आप अपना दिमाग भी यूज करिए। ये बन गया 5π/6, और कॉस इनवर्स कॉस 5π/6 इज 5π/6। और बच्चों 5π/6 जो होता है वो पाई माइनस थीटा से बना है, तो इसका मतलब वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और वो इसका मतलब ये सही है। तो 5π/6 बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर है। पहले आप इसको ध्यान से देखिए, अगर आपको 11th का ESTC नहीं पता है तो आप हमसे रिकॉर्डेड लेक्चर लेके उसको पहले जरूर देख लीजिए, वरना आप समझ नहीं पाएंगे किस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। हाँ, तो आप क्या पूछ रहे थे बच्चों? कॉस ऑफ 90+θ। तो बच्चों अगर आपको ESTC नहीं आता है तो बिगनिंग लेवल पे आप क्या करिए, आपने सबसे पहले आप यहाँ पे लिख दिया करिए ASTC, और सबसे पहले आपने क्या पूछा हमसे? cos 90 plus theta। तो बच्चों आप हमसे पूछ रहे हैं 90+θ। तो बच्चों सबसे पहले देखो 90 कहाँ पर है? कहोगे सर 90 तो यहाँ पर है, तो 90+θ कहाँ पर होगा? सेकंड यहाँ क्वार्टर पर होगा। तो इस क्वाड्रेंट में अगर आप किसी का कॉस ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इस क्वाड्रेंट में अगर आप किसी का कॉस ले रहे हैं, साइन लेते तो पॉजिटिव होता, आप क्या ले रहे हैं इस क्वाड्रेंट में किसी भी एंगल का कॉस ले रहे हैं, तो बच्चों वो नेगेटिव होगा, और कॉस का 90 की वजह से नेचर बदल जाएगा, क्योंकि 90 और 270 पे नेचर बदल जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन। तो बच्चों ये बात आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, और कोई पूछना चाहते हैं आप अभी भी पूछ सकते हैं आप। तो बच्चों जो भी डाउट्स है पूछ लीजिए, बाकी मैंने आपको लेक्चर जस्ट अभी शेयर किया है, उस लेक्चर को आप पूरा देखिए, ASTC रूल का एक सेपरेट लेक्चर है, अगर आप उसको 1 घंटे बिल्कुल ध्यान पूर्वक देखेंगे तो आपको वो लेक्चर काफी अच्छे से आ जाएगा। क्वेश्चन ठीक है, तो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि बच्चों इसका नाम ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, तो उसको करने के लिए आपको बहुत अच्छी तरीके से आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 18। तो बच्चों आपको इसका आंसर निकालना है। सबसे पहले आप सोचेंगे कि यार साइन इनवर्स 3/5, 3/5 तो सर कोई नोन एंगल होता नहीं है, कॉट इनवर्स 3/2 सर ये भी कोई नोन एंगल नहीं होता है। तो हमने कहा बेटा अगर नोन एंगल नहीं होता है तो अब हम क्या करेंगे? तो कहोगे सर थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि जो साइन इनवर्स 3/5 है वो थीटा है, और जो कॉट इनवर्स 3/2 है ये आपका फाइव है। तो बच्चों यहाँ से आपका साइन थीटा आ जाएगा 3/5, और यहाँ से आपका कॉट फाइव आ जाएगा 3/2। क्या यहाँ तक आपको क्लियर है? तो बच्चों अगर आपके पास साइन थीटा आ चुका है तो क्या आप ट्राइंगल बना सकते हैं और टेन थीटा बता सकते हैं, कॉस सर एग्जैक्टली बना सकते हैं? आप जस्ट वेट करिए, ये देखिए सर ये साइन थीटा के लिए ट्राइंगल और ये कॉट फाई के लिए ट्राइंगल। ठीक है, वैसे तो बच्चों डायरेक्ट आप निकाल भी सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप ट्राइंगल बना लीजिए। इस ट्राइंगल में साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आप जानते हैं 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है। उसी तरह से बच्चों नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट वाले में तो ट्राइंगल बनाने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि कॉट फाई अगर 3/2 है तो 10/2/3 हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप पहले यहाँ पे फाई लिख सकते हैं। कॉट फाई 3/2 है, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि 3/2, ये 3 है ये 2 है, तो ये कितना होगा? हाइपोटेनियस √3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, यानी कि 9 + 4, 9 + 4 कितना होता है? 13। तो बच्चे यहाँ से आपके पास ध्यान से देखिए 10 फाई निकल के आ जाएगा, 10 फाई होगा 2/3। और बच्चों वैसे भी
टेन और कॉट आग दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, वहां ट्रायंगल की आपको नीड नहीं पड़नी चाहिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं, तो आप बताएंगे कि इस वाले ट्रायंगल में टैन थीटा कितना है, बताइए इस वाले ट्रायंगल में टैन थीटा कितना है? तो सर 3/4 कितना है? 3/4। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन को फाइनली स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन है टैन ऑफ साइन इनवर्स 3/5 जिसको आपने क्या माना है थीटा, कॉट इनवर्स 3/2 जिसको आपने क्या माना है फाइव। इसको देख करके मन में खुशी आनी चाहिए कि सर ये टैन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। तो ये होता है सर टैन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टैन ए इंटू टेन बी। तो मुझे यहाँ पे टैन थीटा कितना होगा, टेन थीटा होता है 3/4 और टेन फाइव कितना है वो है सर 2/3 होल डिवाइडेड बाय वन माइनस 3/4 इंटू 2/3। तो आपको लग रहा होगा कि सर आपने तो वैल्यू निकाल दी वाकई में किसकी, टैन थीटा प्लस फाइव की, जहां पे सर थीटा कितना है साइन इनवर्स 3/5 है ना, क्यों भाई, और फाइव कितना है सर कॉस इनवर्स कॉट इनवर्स 3/2। तो सर इसकी तो आपने रियलिटी में वैल्यू निकाल दी, कितनी आई 3/4 प्लस 2/3 होल डिवाइड बाय 1 माइनस 3/4 इनटू 2/3। तो मुझे फिर भी अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए पहले, तो ये आ गया 12, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8। अब ध्यान से डिनोमिनेटर में आइए तो कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, 12 माइनस 6 अपॉन 12 माइनस 6 अपॉन कितना आएगा बच्चों 12, ठीक है। तो बच्चों मैंने इस 12 को 12 से कैंसिल कर देता हूँ, 9 और 8 कितना होता है 17 होता है और 12 में से 6 6, तो वैल्यू आ गई बच्चों ये 17 पाई बाय 6। कितनी वैल्यू आ गई, दिस इज योर 17 पाई बाय 6, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन आपको फाइनली कंप्लीट हो गया, थैंक यू। तो क्वेश्चन नंबर 18 हो गया फिर से बच्चों, जिससे आप पीछे पीछे भाग रहे थे तो क्वेश्चन आपके पास वापस आ गया, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू वाला। तो बच्चों मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बता दिया था, इस बात को मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, बच्चों थीटा जरूर लिखते हैं लेकिन ये थीटा कहाँ से होना चाहिए, माइनस फाइव बाई टू से, फाइव बाई टू वंस अगेन मैंने आपको रिपीट करवा दिया। उसी तरह से बच्चों आप कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, आप थीटा जरूर लिखते हैं लेकिन ये थीटा होना चाहिए जीरो से पाई। उसी तरह से बच्चों आप टैन इनवर्स ऑफ टैन थीटा भी लिखते हैं लेकिन बच्चों ये जो थीटा होगा वो कहाँ होना चाहिए, माइनस फाइव बाई टू से फाइव बाई टू ओपन इंटर। क्या बात सबको क्लियर है? तो बच्चों इतनी बातें अगर आपको पता है तो आप हंसी खुशी क्वेश्चन कर सकते हैं, उतने स्टैंडर्ड आपको पता होने चाहिए, ये स्टैंडर्ड, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको ये स्टैंडर्ड बहुत अच्छे से क्लियर हो गए, ओके। चलिए तो हम लोग वापस अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ये है आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। तो आपको बच्चों फाइनल निकालना है tan इनवर्स 10 3/4। तो आपने कहा सर tan इनवर्स 10 थीटा, थीटा हम जो लिख सकते हैं लेकिन थीटा माइनस 5/2 से 5/2 यानी माइनस 90 से प्लस 90 होना चाहिए। अब चेक करो क्या 3/4 माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में लाई करता है, नहीं करेगा। जब आप पाई की वैल्यू इसमें 180 डालोगे तो ये नहीं करेगा, आप चेक करके चेक कर लीजिए। तो सर क्या करें, हमने कहा इसको रेंज में लाओ, इसको कहाँ लेके आओ, इसकी रेंज में लेकर के आओ यानी माइनस 5/2 से 5/2 के बीच में। तो सर पहले ये बताइए कि हम 3/4 को क्या लिख सकते हैं, हमने कहा 3/4 को आप लिख सकते हैं पाई माइनस 5/4, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सर टेन ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होता है, हमने कहा माइनस 10 थीटा होता है, दिस इज माइनस 10 5/4 होता है ना बच्चों। सिर्फ और सिर्फ साइन ऑफ पाई माइनस थीटा और कॉसेक ऑफ पाई माइनस थीटा पॉजिटिव होते हैं, मतलब साइन ऑफ पाई माइनस थीटा साइन थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं ना, ये नहीं समझे, क्योंकि पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और पाई प्लस थीटा थर्ड में होता है। यहाँ बच्चों क्या होता है 3/2 और यहाँ क्या होता है बच्चों 2π होता है, तो 2π माइनस थीटा बच्चों यहाँ पर होता है तो 2π प्लस थीटा बच्चों ये ऊपर होता है, समझा है? और बच्चों अगर आपसे कोई पूछे 3/2 माइनस थीटा तो वो यहाँ पर होता है, 3/2 प्लस थीटा यहाँ पर होता है, ठीक है। तो बच्चों जल्दी से बताएंगे कि ये टैन इनवर्स के अंदर कितना आ गया, तो सर टैन इनवर्स के अंदर आ गया माइनस 10π/4 व्हिच इज इक्वल टू माइनस 4,
और सर टैन इनवर्स माइनस वन तो मैं सक्सेसफुली निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा सर? माइनस वन को मैं लिख सकता हूँ टैन ऑफ माइनस फाइव बाई फोर, क्योंकि सर सेकंड क्वाड्रेंट में तो जाएंगे नहीं ना, क्योंकि इसकी रेंज जीरो से पाई नहीं होती, इसकी रेंज होती है माइनस फाइव बाई टू से फाइव बाई टू, तो ये ऑड फंक्शन होता है। तो हमने उसका फाइव उठा लिया, टैन ऑफ माइनस फाइव बाई फोर लिख दिया और ये आंसर आ गया माइनस फाइव बाई फोर। और आप सक्सेसफुली चेक कर सकते हैं ये किसके बीच में लाइक करेगा, माइनस 45 माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में लाइक करता है। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो हम आपका दर्द समझ सकते हैं, फिर भी आप एएसटीसी को समझने की कोशिश करिए। आपके पास लेक्चर है, सारा मेरा सपोर्ट है, आप कहीं भी हो दुनिया के किसी भी कोने में, आप हमारा लेक्चर देख करके हमसे उसी समय सपोर्ट ले सकते हैं, ठीक है? बहुत इमरजेंसी केसेस में आप ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं। चलिए तो बच्चे ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 16। फाइनली हम लोग 16 क्वेश्चन पे पहुंच गए और यहां से इस चैप्टर का क्या हो जाएगा, डी एंड। तो बच्चे एडजस्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 को कहीं और कर देते हैं, छोटा सा क्वेश्चन लग रहा है, यहीं पे करेंगे बच्चों। चलो अच्छा आगे कर लेते 60। हमारे साथ गुड़िया रानी बैठी है, बताएगी कि कैसे क्वेश्चन होगा। गुड़िया रानी कहती है सर साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा थीटा होता है, लेकिन थीटा होता चाहिए माइनस फाइव बाई टू से फाइव बाई टू क्लोज ब्रैकेट। तो हमने कहा अगर टू पाई बाई थ्री माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में है तो तुम डायरेक्ट टू पाई बाई थ्री लिख दो, लेकिन कहूँ सर नहीं है क्योंकि पाई की जगह 180 डालेंगे तो ये 120 बन जाएगा, और 120 माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में नहीं आता क्योंकि वो 90 के तो बाद ही आएगा ना 120। तो सर क्या करें? तो हमने कहा उसको इसकी रेंज मिलाओ। कैसे लाए? हमने कहा पहले 2 पाई बाई 3 को बुलाओ, कि 2 पाई बाई 3 को लिख दो पाई माइनस पाई बाई 3। सर पाई माइनस थीटा ये तो सर मेरे मन का है, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा होता है, होता है। तो बच्चों ये तो आपका आ गया रिजल्ट डायरेक्टली, और कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि साइन इनवर्स साइन थीटा आप थीटा लिख सकते हो, लेकिन कब? जब ये थीटा लाई करे माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। तो बच्चों ये तो क्वेश्चन तुरंत हो गया और इसका आंसर आ गया पाई बाई 3।